अयोध्या के बीकापुर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को बीकापुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर यहां के अधिवक्ता स्टाम्प वेंडर समेत तहसील परिसर में स्थित सभी दुकानदारों ने मौन जुलूस निकालते हुए ग्राम न्यायालय के समर्थन में प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन बीकापुर के अध्यक्ष राम सजीवन पांडे के नेतृत्व में बीकापुर के अधिवक्ताओं ने मौन जुलूस का समर्थन करते हुए इसमें भागीदारी करके बीकापुर तहसील सभागार से ग्राम न्यायालय तक पैदल मार्च निकाल कर तथा उसके बाद ब्लॉक मोड़ होते हुए मार्च उप जिलाधिकारी बीकापुर के कार्यालय तक निकाला गया। इस दौरान बार एसोसिएशन ने ग्राम न्यायालय के समर्थन में एक ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित उप जिलाधिकारी बीकापुर के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर संतोष व्यक्त करते हुए शासन और प्रशासन को इस पहल के लिए स्वागत योग्य करार दिया है। मौन जुलूस में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सजीवन पांडे, मंत्री श्रीकांत तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद अहमद, ब्रजेश यादव, ब्रजेश तिवारी, सीताराम दुबे, सुरेंद्र पांडे के अलावा स्टाफ वेंडर संघ के अध्यक्ष रविंद्र यादव, जमुना गुप्ता, टाइपिस्ट राजेश श्रीवास्तव, अनेक दुकानदार व आम जनता शामिल रहे। बीकापुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सजीवन पांडे जी के नेतृत्व में बीकापुर तहसील परिसर से ग्राम न्यायालय तक अधिवक्ताओं का एक जुलूस मौन रूप में निकाला गया। उद्देश्य कुल मिलाकर के ये है कि फैजाबाद में जिस तरह से अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालय की स्थापना को लेकर के बीकापुर में होने के नाते विरोध कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि में जायज़ नहीं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की फाइंडिंग दे दी है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया है कि ग्राम्य स्तर पर गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाए, तो फिर इस विषय को लेकर के जनपद फैजाबाद के अधिवक्ता जो आंदोलित हैं, वो निराधार तथ्यों पर आधारित उनका आंदोलन है। और बीकापुर के अधिवक्ताओं की बहुत पुरानी मांग रही है कि बीकापुर न्यायालय परिसर में, बीकापुर परिसर में दीवानी न्यायालय की स्थापना की जाए, लेकिन आज तक दीवानी न्यायालय की स्थापना तो नहीं हो सकी है, किंतु ग्राम न्यायालय के आने के बाद फैजाबाद के अधिवक्ताओं का जो रवैया उनके द्वारा आंदोलन के रूप में नज़र आ रहा है, वो कभी भी ना तो न्याय संगत रहा है और ना ही उनका ये कृत्य जायज है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैजाबाद के प्रांगण में बहुत से न्यायालय हैं, तमाम कार्य करने का उनको अवसर उपलब्ध है, लेकिन बीकापुर तहसील में तहसील के अलावा, जो बीकापुर की तहसील 1881 से स्थापित है, आज अगर ग्राम न्यायालय की स्थापना बीकापुर में की गई है तो वो प्रत्येक दृष्टि से जायज़ है और जनता के हित में है, ग्रामीण व्यक्तियों के हित में है, जो दूर दराज की जनता बीकापुर सुदूर अंचलों से होकर के फैजाबाद पहुंचती थी, आज उसे अगर ये अवसर प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा, सुलभ और सस्ता न्याय मिलेगा। इस पर हमारे फैजाबाद के जो अध्यक्ष जी और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी विरोध कर रहे हैं, वो किसी भी दृष्टि में जायज नहीं है और ना ही न्याय संगत है। इस कारण उनके इस आंदोलन की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो निश्चित रूप से बीकापुर का अधिवक्ता ईंट से ईंट बजाने का पूरा प्रयास करेगा और अपने आंदोलन को कहीं से भी कमजोर नहीं होने देगा। हम बीकापुर में स्थापना ग्राम न्यायालय की कराकर ही छोड़ेंगे, जैसा कि आदेशित है।